आज की रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। क्यों? क्योंकि यही रेसिपी मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए बनाई थी। जी हाँ, मैंने अपने इंटरव्यू के लिए एक्चुअली एक रेसिपी तैयार की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे शेफ़ को मेरे फूड के लिए वो प्यार समझ आएगा जो एक्चुअल में है कि नहीं। पर समहाउ मैंने एक चीज़ तैयार करी थी जो कि वाकई बहुत ही स्वाद थी और मेरे शेफ़ को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे जॉब के लिए उसी दिन ही हायर कर लिया। तो डू वॉच माई वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई वीडियोज, ताकि आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट देख सकें। तो चलिए हम फाइनली बनाते हैं अपने चॉकलेट गोलगप्पे। चॉकलेट गोलगप्पे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह गोलगप्पों को चॉकलेट में कवर करने वाला हूं। तो चॉकलेट गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चॉकलेट को करना पड़ेगा मेल्ट। तो उसके लिए हम करते हैं अपना सेटअप। तो सेटअप के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक डबल बॉयलर। तो डबल बॉयलर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी, जिसमें आप पानी को बॉयल करेंगे और उसके ऊपर आपको एक चीज़ रखनी है जो कि ग्लास का हो सकता है, सिरेमिक का हो सकता है या स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। तो मैं आज एक सिरेमिक बोल यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी तरह का बोल यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट हमारी हो गई है बिल्कुल मेल्ट। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाए मैं इसको रखूँगा साइड पे और अब बारी है हमारे गोलगप्पों को चॉकलेट में कवर करने की। तो कोई भी अपना गोलगप्पा उठाइए, को ऐसे तोड़िए और एक ब्रश के साथ चॉकलेट पे कोट करिए। रही बात गोलगप्पों की, तो वो मैंने घर पे बनाए हैं, आप चाहें तो किसी भी इंडियन स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आप भी घर पे गोलगप्पे बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चॉकलेट कोटिंग के बाद मैंने अपने गोलगप्पे रख दिए फ्रिज में। तो जैसे ही ये फ्रिज में ठंडे होते हैं, साथ में मैं इसके थोड़ी सी टॉपिंग्स काटता हूँ, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, थोड़े से पिस्ताचियोस और साथ में मैं यूज़ करूँगा कोकोनट क्रीम। तो चलिए लेट्स गेट दैट रेडी और फिर उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे। तो अब टाइम है प्लेटिंग करने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये रेसिपी अपनी इंटरव्यू के लिए यूज़ की है, तो आज भी मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ें रखी हैं जो उस वक्त मेरे पास थी। तो प्लेटिंग के लिए मैं सबसे पहले चॉकलेट सॉस यूज़ करूँगा और फिर गोलगप्पों को हम रखेंगे, उसमें हम थोड़ी सी बेरीज की फिलिंग करेंगे पिस्ताचियो की और क्रीम के साथ फिनिश।